और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया, उस वक्त कोई 400-500 बिलियन डॉलर से लेके हमने 1.7 बिलियन डॉलर तक अफगानिस्तान के साथ तजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम 3 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ तवक्कुआत थे, सेंट्रल एशिया के साथ आपने कारोबार खत्म किया, आपने अफगानिस्तान के ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त पूरे बॉर्डर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज भी किया। मेरे हमीद नजदी भी कहा तो आप तो वहां एक नया जंग शुरू करना चाहते हो, वहां तो बदमनी की बहुत सूरत हाल है और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जवाब पैदा किया जाए और पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट क्रिएट करा जा रहा। मैं बताता हूं जी, हम इस इलाके के लोग, हमें पता है जो लोग अफगानिस्तान को डील करते हैं, जो लोग फाटा को डील करते हैं, और फाटा के क्या हुआ, जो आपकी कमिटमेंट थी, आपने एफसीए वार्ड में 3% नहीं दिया, आपने मर्जर के लिए जो आपकी कमिटमेंट थी कि वन ये पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी, पार्लियामेंट ने कि हम 10,000 बिलियन देंगे, हर साल 100 बिलियन दी जाएगी, 110 अरब, अभी तक 103 अरब मिले हैं, 130, और अभी बजट में सिर्फ 64 अरब रखे हैं, 64 अरब। मैं अमीर मकाम साहब से पूछ जाता हूं, आप इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे के सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पे डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आप, आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उधर जो 100 बिलियन के बजाय सिर्फ 64 बिलियन रखा गया है, आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया, क्या वो खाक खाएंगे, क्या वो शाम पे का खाक खाएंगे, क्या वो इंसान नहीं है, क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मैं, मुझे पता है जो अफगानिस्तान को डील करते उसको समझ नहीं है, उसके पास वो जहन नहीं है, वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम वहां पर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। हम इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके तालुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजात खुद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद तजकजई साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए, लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुजम्मत है, किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते और हम समझते हैं। मैं सबसे पूछता हूं, हमारे कबायली एम एन एस यहां बैठे हैं, हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते, और बताते नहीं, अगर किसी ने हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसलत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, हम नहीं चाहते इस इलाके में। और ये जो आप कहते हैं कि आपने जंग मुसलत करेंगे, हमें अमन चाहिए, अमन, हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। और